नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीत की तैयारी में। दोस्तों, रेलवे ने एक बार फिर से भर्ती निकाली है और अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और कैसे आप जॉब ले सकते हैं, मैं सारी चीज़ आपको आज यहाँ पे डिटेल में बता दूंगा। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल जीत की तैयारी पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो भी नई गवर्नमेंट जॉब आएगी उसका आपको सबसे पहले पता चल जाएगा, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होएगा दोस्तों। तो जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि रेलवे द्वारा जारी किया गया है, भारत सरकार द्वारा जो जारी किया गया है, वो मैं आपके सामने खोल देता हूँ और आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, तो यह साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की जॉब है, पर इसका ये मतलब नहीं कि साउथ ईस्टर्न है तो ये साउथ या ईस्ट के ही भर सकते हैं। इसे ऑल इंडिया कैंडिडेट भर सकते हैं, भले ही वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था। तो ये 16 अगस्त को जारी हुआ था, 2018 को। ठीक है, तो इसमें जो आपको बता देते, जो जॉब रहेगी, जो पोस्ट रहेगी, वो आपकी रहेगी अप्रेंटिस की। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है अप्रेंटिस की जॉब रहेगी। पहले आपको इसके लिए ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। तो आगे मैं बात करता हूँ कि ये कब से स्टार्ट होंगे। तो ये देखिए, 25/8 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं भरने, और ये 15 सितंबर 2018 तक ये भरे जाएंगे। ठीक है, आगे बात कर लेता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको पोस्ट रही है यहाँ पे। तो देखिए, हर एक की अलग अलग यहाँ पे क्लियरली मैंशन दे रखा है कि यहाँ पे जो आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी, सबसे पहले वो रहेंगी 298 आपकी टोटल पोस्टें रहेंगी। और जैसे आप देख सकते हैं, हर के लिए अलग मेंशन कर रखा है, जैसे फिल्टर है, कारपेंटर है, वेल्डर है, कोपा है, इलेक्ट्रिशियन है, स्टेनोग्राफर है, प्लम्बर है, पेंटर है, वायरमैन है, इलेक्ट्रिक मैकेनिक है, पावर मैकेनिक है, मशीन टूल मेंटेनेंस है, डीजल मैकेनिकर है, ट्रिमर है और बियरर है। तो यहाँ पे आपकी पोस्ट है और किस में आप भरना चाहो वो दे सकते हो। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 29 पोस्टें हैं, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए यहाँ पे 11 पोस्टें हैं। तो ठीक है, अच्छा आपका यहाँ पे क्लियरली मैंशन है और सब भर सकते हैं, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो या वो फिजिकली चैलेंज हो। तो आपके यहाँ पे देख रखा है, जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो आपका 1 साल रहेगा, कि आपको यहाँ पे पहले ट्रेनिंग जो रहती है वो आपकी एक एक साल की रहेगी। आगे मैं इसमें बात करता हूँ कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आप 15 साल से लेके 24 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और ये जो वैकेंसी भर्ती है इसे आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो यहाँ पे रिलैक्सेशन है वो भी बता देता हूँ कि यहाँ पे रिलैक्सेशन दे रखी है, अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल बाई 5 ईयर इन केस ऑफ ST SC। तो मतलब ST SC को यहाँ पे 5 साल की छूट मिल रही है, और OBC वालों को यहाँ पे 3 साल की छूट यहाँ पे मिल रही है दोस्तों। आगे मैं इसे बात करता हूँ कि आपकी इसमें क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। तो ये देखिए, क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको केवल और केवल 10वीं पास चाहिए, उसके साथ ITI का जो भी आपका ट्रेड सर्टिफिकेट है वो भी चाहिए। ठीक है, आगे इसमें बात कर लेते कि आपकी इसमें पेमेंट कितनी होगी, कितना आपको इसमें फीस पे करनी है। तो यहाँ पे 100 रुपये रहेगी जो आपको इसके लिए पेमेंट के लिए फीस पे करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड रहेगा, यहाँ पे लिख रखा है क्लियरली कि आपको ये जो है ऑनलाइन भरना है, किस वेबसाइट पे भरना है वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। तो ये देखिए, यहाँ पे जो ये दिख रही है आपको www.secr.indianrailway.government.in, तो आपको इस वेबसाइट पे जाके इसे ऑनलाइन भर देना है दोस्तों। आगे मैं इसमें बात करता हूँ कि जो आपकी फ़ीस रहेगी SC ST दिवांग और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, वो फ्री है दोस्तों, नो फीस है उसके लिए। तो उसको आपको 1 भी रुपये नहीं भरना है, तो मैं तो कहूँगा इसे ज़रूर भरिए। तो इसका जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा वो बात कर लेते हैं। जो मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा दोस्तों, वो आपकी मेरिट लिस्ट पे होगा, जितनी भी आपकी 10th और ITI की, जैसे 10th की और ITI की आपके मार्क्स जुड़ के जो भी आपकी मेरिट लिस्ट आएगी उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग के लिए बुला दिया जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कुछ भी डाउट हो या कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका आपको जरा जवाब ज़रूर दूंगा दोस्तों। और जो ये PDF है, जो ये जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं अगर आप चाहें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।